पूरे देश में हम जा रहे हैं और पूरे देश में पंचायत होगी। 25 तारीख में हम वहाँ बाहर जा रहे हैं, केरला हम जाएंगे और 26 तारीख में दिल्ली में रहेंगे, 27 में पंजाब जा रहे हैं, 28 में बॉम्बे जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश में ये मीटिंग है क्योंकि MSP पूरे देश का एक बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं कि MSP के बगैर, कोई गारंटी के बगैर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। ना, वो जरूरी है, जरूरी। तो कल भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। हाँ, चिट्ठी लिखी कल। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जो 750 किसान शहीद हुए वो एक बड़ा सवाल है, MSP का भी सवाल है। तो हम तो कह रहे हैं कि बातचीत करो, अब जो और मामले है बातचीत से निपटाओ। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत से, बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। MSP पे कौन करेगा, जो हर रोज किसान को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में तो होगा ना, यहाँ पर राजधानी है देश की। अजय टेनी एक मेन बड़ा फैक्टर यहाँ का है, उनकी गिरफ्तारी हो वो भी एक बड़ा सवाल है। तो किस तरीके की डिमांड यहाँ पर आप करें, खासकर लखीमपुर को लेके? तो आप खुद समझौते में थे, आपको लगा सरकार ने बात को पूरा नहीं किया? हाँ, बात पूरा नहीं करा। तो क्या रहेगा लखीमपुर यहाँ पर? यहाँ पे है, यहाँ से हम घोषणा करेंगे, उसकी बताएंगे, जनता के बीच में बताएंगे। आज कुछ वर्ग ये भी कह रहा है कि किसान क्यों आड़े हुए, मतलब जब उनके फसलें कम रेट पे बिक रही है और उनका जो जवान है वो बेरोजगार है। प्रधानमंत्री ने भका के उनसे वोट लिया था। आप इतना बड़ा पंचायत यहाँ पे कर रहे हैं, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया, अभी नहीं कोई। आप लोग जो तरीका है सरकार का वो किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री ठीक नहीं है तरीका, झूठ बोलते हैं। बोलने में कुछ है, करने में कुछ है, अंतर है दोनों में, अंतर है। हाँ, समर्थन दे रहे, विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते, क्या चुनाव है, इस वजह से है या क्या वजह लगती है? अरे, देलेंडो विपक्ष का क्या काम, विपक्ष का काम है कि कोई अत्याचार हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर सरकार आपको टॉक्स के लिए बुलाएगी टेबल पर? हाँ, जाएंगे, बात करेंगे। अभी फिलहाल आपके पास कोई संदेश ना? कोई नहीं आ संदेश।